जिन बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन चाहिए उनके पास संस्कार हो ना हो कोई बात नहीं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कितना ही वीक क्यों ना हो लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब तो जो मर्जी हो जाए मेंढक का एडमिशन लाल बाल विद्यालय में ही होगा। हमें हमारे कुंवर साहब के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश है। कोयल देवी, आपके कुंवर साहब को हमारे स्कूल में एडमिशन जरूर मिलेगा, बस आप लोग अंदर आके प्रिंसिपल से मिल लीजिए। हमारे कुंवर साहब अंदर ना जाते, हमारे प्रिंसिपल से कहे कि वो बाहर आए। दोनों को बुलाना। आपको कैसे पता कि हमारे स्कूल में दो प्रिंसिपल है? जब हमारे कुंवर साहब की बग्गी को चलाने के लिए दो घोड़े हो सके हैं, तुम्हारे स्कूल को चलाने के लिए तो प्रिंसिपल नहीं हो सके हैं। राठौर, मैं यहाँ ठौर ना वहाँ ठौर, पप्पी सिंह राठौर नाम है मारा। हाँ ए छोरी, ज्यादा मत सोच वरना। मिस्टर लाल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक रॉयल फैमिली का बच्चा हमारे हमारे स्कूल में एडमिशन लेने आ रहा है। मिसेस लाल। यस मिस्टर लाल। अब हम होने वाले हैं माला माल। राइट मिस्टर लाल। सर वो कौर साहब कह रहे हैं कि वो अंदर नहीं आएंगे। क्यों? बल्कि आप लोगों को उनसे मिलने बाहर जाना पड़ेगा। ये रही उनकी डिटेल्स। सर आप प्लीज बाहर चल के उनसे मिल लीजिए वरना वो किटी कराटे ये करते करते अंदर आ जाएगी। ओह माय गॉड, पढ़िए मिस्टर लाल। ये जोधपुर के धौलपुर जिले के गोलपुर गांव के कुंवर साहब हैं। सर ये कुंवर साहब दिखने में भी बड़े गोल से हैं। मैं तो कहती हूँ कि इंटरनेट पे जरा एक सर्च मार के तो देखिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना कोई अपने बच्चे को इतनी दूर एडमिशन के लिए क्यों लाएगा। सर शी इज राइट मिस्टर लाल। यस ये लीजिए सर्च कीजिए। थैंक यू। जोधपुर के धौलपुर जिला भी है, गोलपुर गांव है, लेकिन ये कंवर साहब के रजौड़े खानदान के बारे में तो कुछ भी नहीं है। बेटा पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिपाही सालार घर में बैठा है और उसके सिपाही मैदान में जाके दुश्मन से अकेले लड़ रहा है। कोई ऊंच नीच हो गई बेटा तो वहां तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। तू वहां बैठा दिल्ली में और मैं यहाँ घर पे, सब कुछ अकेले पप्पी भाई साहब के भरोसे हो रहा है। अच्छा ये बता तू कब आ रहा है? आज ही आ रहा है।
हरिओम हरिओम बेटा, ये तो तूने अच्छी खबर दी है। जीता रहे बेटा, जीता रहे। हेलो बेटा। मैं तो हूँ लेटा, आप हमारी दीदी से बात करो। प्लीज डोंट माइंड, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है, वो धौलपुर के जोधपुर में जोधपुर के धौलपुर जिले में गोलपुर गांव तो है, लेकिन आप लोगों के रजवाड़े खानदान का कोई जिक्र नहीं है। वाह, वाटर नेकलेस। मारे कुंवर साहब ने थारे गार्ड को थप्पड़ मारा, ये उसी की कीमत है। मारे कुंवर साहब किसी को फ्री में थप्पड़ नहीं मारते। थप्पड़ मारने की ये कीमत, तो अगर वो इनको मुक्का मारते तो? ये ऑफर सिर्फ थप्पड़ पे है। धक्के और मुक्के के लिए हमारे कुंवर साहब ने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया। वैसे तू हमारे खानदान के बारे में कुछ पूछ रहा था। ना, कुछ भी नहीं, गलती हो गई हमसे। एक्चुअली इंटरनेट पे सब डिटेल्स थोड़ी ना होती है। डिटेलिंग मिलेगी भी कैसे मिलेगी जी, अभी हमारे किले वेली बाग बगीचे क्या है कि वाईफाई इनेबल नहीं है। राठौर ना यहाँ ठौर ना वहाँ ठौर, पप्पी सिंह राठौर नाम है हमारा। हाँ हमारा नाम गदा प्रसाद नहीं है, हमारा नाम कुंवर गद्दा प्रताप सिंह है। देखो हमारी अंगूठी। कुंवर साहब फोर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना? जी नहीं, वो क्या है ना कि मैं हिस्ट्री में थोड़ा वीक हूँ। क्या नाम है आपके फोर्ट का? गद्दागढ़ फोर्ट। आपको पता है हमारे यहाँ जितने भी अंग्रेज घूमने आते हैं ना, वो हमको प्रिंस ऑफ गद्दागढ़ बोलते हैं। देखो हमारी अंगूठी। देखिए अब मैं कंवर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज। हमको भूख लग रही है, और हमारे बाबूजी कहते हैं खाते वक्त बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, एकदम चुप। बाबूजी कौन? हमारे पिताजी के दादाजी महाराज केसी प्रताप सिंह। कुंवर साहब को भूख लगी है, खाना लाओ। मैं कैंटीन से कुछ मंगवा दूं? क्या? धौलपुर जिले के गोलपुर गांव के कुंवर साहब कैंटीन का खाना खाएंगे? जोर से हंसो। आप सब मेरे साथ आई। मारे कुंवर साहब का खाना सारा का सारा फौरन से आवे। ये देखो, ये देखो पेस्ट्री पोलैंड से आवे है, ये बिस्किट ब्रिटेन से आवे है, ये टी तुर्की से आती है, एवरीथिंग इंपोर्टेड। बिस्किट तो अपने जैसा ही है, आई मीन यहीं का तो लग रहा है। ओ बाहर से यहीं का जैसा है, लेकिन अंदर से ये पूरा का पूरा फॉरेनर है फिरंगी। ये देखो ये आती है ब्रेड नेपाल से एकदम फ्रेश। बिस्किट अगर ब्रिटेन से आती है तो ब्रेड नेपाल से क्यों? वेरी सिंपल जी, हमारे कुंवर साहब को ना फ्रेश ब्रेड खाने का बड़ा शौक है। ओके, नेपाल बॉर्डर पास में पड़ता है, तो हम सवेरे एक आदमी को ऊंट बैठा के छोड़ देते हैं, वो जाके नेपाल बॉर्डर से फ्रेश ब्रेड ले आता है। और कुछ पूछना हमारे कुंवर साहब से आपको? हाँ नहीं नहीं हाँ, वन लास्ट और आई मीन लास्ट क्वेश्चन। तो पप्पी ठौर जी, मतलब पप्पी राठौर जी, मुझे बताइए कि कुंवर साहब गोलपुर से यहाँ तक आए कैसे? आई मीन मतलब घोड़े गाड़ी में आए, कार में आए, रिक्शा में आए, साइकिल में आए, कैसे आए? ओ ना जी ना, मारे कुंवर साहब चार्टर प्लेन से आए हैं, चार्टर प्लेन से। हमने ना पूरा प्लेन चाट लिया, मजा आ गया। और रास्ते में कुंवर साहब को एयरपोर्ट से आने में यहाँ तक जो भी खिलौने नजर आए, वो सब के सब खरीद लिया हमारे कुंवर साहब।
खिलौने? इतनी बड़ी गाड़ी खिलौना? और लाल अंकल ये तो कुछ भी नहीं है, वो एयरपोर्ट पे 4 प्लेन खरीद के आए हैं हैंगर में टांग के। प्रिंसिपल साहब, आप हमको भी अपने स्कूल में एडमिशन दे दो, हम आपके हर बच्चे को एक एक ऐसा खिलौना दे देंगे। ये हमारी अंगूठी देखो। आपके जैसा होनहार बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो हमारे स्कूल की तो इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत के साथ साथ आपकी स्कूल की फीस भी बढ़ जाएगी। राठौर न यहाँ ठौर न वहाँ ठौर, पप्पी सिंह राठौर नाम है मारा। गीतू, कुंवर साहब की एडमिशन फाइल बनाओ और इन्हें अंदर ले आओ। चलिए ना मिस्टर राठौर। मिसेस लाल। यस मिस्टर लाल। गोमुख भैया, हमें भी दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले भैया। हाँ, किताब नहीं, आइसक्रीम दो ना। ओह सॉरी, पर मेढक प्रसाद मेरे पास एक ही आइसक्रीम है, फुल स्टॉप, और वो भी झूठी है। डॉट 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 डॉट, तू झूठी आइसक्रीम खाएगा कस्टमर? हाँ भैया, हम खा लेंगे। इतने दिनों बाद आइसक्रीम खरीदी थी। डॉट 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 डॉट, ले झूठी आइसक्रीम खा, फुल स्टॉप। खा क्यों नहीं रहा, आइसक्रीम पिघल रही है। डॉट डॉट, खाता क्यों नहीं है कस्टमर? भैया आप ही तो बोले कि तू झूठी आइसक्रीम खा, तो हम झूठी झूठी आइसक्रीम खा रहे। अरे मेढक प्रसाद, क्या किया, सारी आइसक्रीम गिरा दी। डॉट डॉट डॉट, ना खुद खाई ना मुझे खाने दी, फुल स्टॉप। चाय पीनी पड़ेगी। डॉट 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 डॉट, गधा प्रसाद, ए गधा प्रसाद। गधा भैया घर पे नहीं है। कहाँ गया है कस्टमर? गधा भैया नागिन भाभी, कोयल भाभी और कपी भैया बाहर घूमने गए हैं। क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क, सब लोग मुझे छोड़ के घूमने चले गए? कहाँ गए हैं कस्टमर? लाल आ भैया, अभी हमें बाबूजी बुला रहे थे, हम आते। लाल, बाबूजी ने तो बुलाया नहीं। टॉट टॉट टॉट, बेटा इसका मतलब तो ये हुआ कि अपना तीर बिल्कुल निशाने पे बैठ रहा है। हाँ बाबूजी, और अब कुंवर साहब अंदर जा चुके हैं और थोड़ी ही देर में लाल बाल विद्यालय में उनका एडमिशन होने वाला है। बेटा सच पूछो तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग ये सब इतनी आसानी से कर लोगे। अरे बाबूजी, जब आपका आशीर्वाद साथ में हो तो मुश्किल कैसे आ सकती है बाबूजी। और अब तो मिस्टर और मिसेस लाल की टेंशन टाइट होने वाली है। शाबाश बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं फोन रखता हूँ, तुम लोग उधर का संभालो, इधर का मैं संभालता हूँ। बेटा गोमू खाने वाला होगा। हाँ जी बाबूजी, हरिओम बाबूजी। ठीक है बेटा। बाबूजी क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कस्टमर कहाँ गए हैं सब लोग? कस्टमर बाबूजी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस। बाबूजी ये घर थोड़ा सा मेरा भी है, उस नाते ये जानने का थोड़ा सा अधिकार तो मेरा बनता है ना बाबूजी। डॉट 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 डॉट, कभी कभी कोई ऐसी समस्या भी आ खड़ी होती है जिसका समाधान कुछ अलग तरीके से ढूंढना पड़ता है, और हो सकता है वो समाधान तुम्हें ठीक ना लगे, इसीलिए बस हमने तुझे बताया नहीं। ऐसी कौन सी समस्या है बाबूजी? कस्टमर ऐसा कौन सा तरीका है जो आप सबको सही लगा लेकिन मुझे गलत लगता? बेटा क्या है कि हम लोग मेंढक प्रसाद का एडमिशन लाल बाल विद्यालय में ही करवा रहे हैं, और करवाया क्या जा रहा है ये समझ ले कि बस अभी अभी उसका एडमिशन हो रहा है। बाबूजी वो लोग मेंढक प्रसाद के एप्लीकेशन पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, फिर एडमिशन कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क,
बाबूजी मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि हर स्कूल के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मेरे स्कूल आपके लिए बदल नहीं सकता, फुल स्टॉप। ये बात तो तेरी सही है, लेकिन ये लाल बाल विद्यालय ऐसा है जहाँ रूल्स और रेगुलेशन नहीं, रुपया और रुतबा चलता है। मेंढक प्रसाद का एडमिशन उस स्कूल में करा कर मैं उन्हें ये सबक सिखाना चाहता हूँ कि वो जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बस जरा सी देर रुक जा बेटा, उसके एडमिशन हो जाने का फोन आने वाला है। बाबूजी मेंढक प्रसाद यहाँ हमारे सामने खड़ा है और आप कह रहे हैं थोड़ी देर में फोन आ जाएगा, उसका एडमिशन हो गया। डॉट 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 डॉट, गुड जोक बाबूजी। बेटा अपनी हंसी को रोक ले, क्योंकि ये जोक नहीं असलियत है। मुझे ये बता, मेंढक प्रसाद के वहाँ होने की जरूरत ही क्या है, जब इसका अमीर और ऊंचा राजघराने का परिवार इस समय वहाँ मौजूद है। मेंढक प्रसाद का अमीर और ऊंचा राजघराने का परिवार, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ गोमुख भैया। मिसेस लाल। यस मिस्टर लाल। कुंवर साहब खाते हुए कितने प्यारे और मासूम लगते हैं ना। हाँ। मजा आ गया कोयल भाभी। मजा आ गया राजमा का। मिस्टर लाल जल्दी से कुंवर साहब की एडमिशन फाइल लेकर आइए। यस। क्योंकि राजमाता कोयल देवी को इंतजार करने की बुरी आदत ना है। ये रही फाइल, आप बस इसमें अपना एड्रेस लिख दीजिए, कुंवर साहब की डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, फिर हमारे दोनों प्रिंसिपल इस पे साइन कर देंगे, फिर क्या, बस एडमिशन हो गया। जस्ट टू रिमाइंड यू राजमाता कोयल देवी कि हमारे यहाँ फीस ईयरली लिया जाता है और डोनेशन जो है वो मंथली है ना मिस्टर लाल। यस मिसेस लाल। जस्ट टू रिमाइंड यू मिसेस लाल, आपने अपने स्कूल में किसी ऐरे गहरे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को एडमिशन नहीं दी है, ये प्रिंस ऑफ गदागढ़ है। हम आपको फीस डेली और डोनेशन आर्ली देंगे। मिस्टर लाल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जल्दी से कीजिए, क्योंकि राजमाता कोयल देवी को इंतजार करने की बुरी आदत ना है। ओके राजमाता कोयल देवी दीदी जी, आप जल्दी से ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए प्लीज। ये दुनिया बड़ी गोल है, होने वाला झोल है। ये दुनिया बड़ी गोल है, होने वाला झोल है। ये कैसा भी गोल है, लगता है गदा प्रसाद आगे का सब कुछ भूल गया है, कुछ करो वरना पकड़े जाएंगे। किटी कराटे थारी रक्षा हमेशा करेगी, और ये बात आप भूलना मत, भूलना मत। याद आ गया, सब याद आ गया। अचानक रोने क्यों लग गए? ये कुवरसा है, जो कुछ भी करते हैं अचानक ही करते हैं। हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम अपने घर वापस जाएंगे, झोलपुर। झोलपुर? हाँ। कुंवर साहब आप यहाँ क्यों नहीं पढ़ना चाहते? हम यहाँ पे अकेले हैं, हमारे साथ कौन खेलेगा? कुंवर जी हमारे स्कूल में आपकी तरह और भी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो सब आपके साथ खेलेंगे। हाँ नहीं, प्रिंस ऑफ गदागढ़ हम सिर्फ अपने छोटे भाई प्रिंस ऑफ मेंढकगढ़ के साथ ही खेलते हैं। देखिए ऐसे रोते नहीं है, ऐसी जिद नहीं करते। देखो ये स्कूल है, तुम्हारे छोटे कुंवर साहब इस स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। देखो तुम ज्यादा जिद करोगे ना तो मैं तुम्हें वापस गोलपुर लेके जाऊंगी। वापस वापस क्यों ले जाएंगे कोयल देवी दीदी जी, है ना मिसेस लाल? हाँ मिस्टर लाल कुछ कीजिए। कोयल देवी जी अगर हम अपने स्कूल में छोटे कुंवर साहब की एडमिशन दे दें तो दोनों कुंवर भाई
साथ साथ पढ़ेंगे भी और साथ साथ खेलेंगे भी, है ना मिसेस लाल? वाओ मिस्टर लाल, यू आर ब्रिलियंट, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी अगर दो प्रिंस ने हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिया तो हमारे स्कूल की प्रेस्टीज दुगनी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। आप सोच क्या रही है कोयल देवी दीदी जी, ये दोनों के फ्यूचर का सवाल है। फ्यूचर किन दोनों के, इन दोनों के या आप दोनों के? एनीवे मुझे आपका आइडिया पसंद आया। थैंक यू। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि राजमाता कोयल देवी को इंतजार करने की बुरी आदत ना है। गीतू जल्दी से छोटे कुंवर सा की भी एडमिशन फाइल बना के जल्दी से ले आओ, उसमें राजमाता जी उसके डिटेल्स भर देंगी, डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह, हम दोनों साइन कर देंगे और एडमिशन हो गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.